तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी रोड़ा पैदा करने की कोशिश कर रही है रूसी फौज। और एक तरफ यूक्रेन के शहर शहर सुलग रहे हैं, रूस ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, यूक्रेन भी कई मोर्चों पर डटा है। राजधानी कीव की किला अब तक सलामत है, डर है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद रूस तबाही वाले हथियार का इस्तेमाल न करने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं रहे, धमाके रुक नहीं रहे, शहर सुलग रहे हैं, इमारतें धधक रही हैं। रूस और यूक्रेन की जंग को 25 दिन हो गए, लेकिन युद्ध थम नहीं रहा। युद्ध की विभीषिका डरा रही है, हर तरफ तबाही का मंजर है। शहर के शहर खंडहर में बदल गए, मलबे में जिंदगी दबी है, मौत अठास कर रही है। रूस चौतरफा हमला कर रहा है, कीव के कब्जे की लड़ाई तेज हो गई। आसमान से रूसी गोले बारूद बरस रहे हैं, रूसी मिसाइलें आग उगल रही हैं, तो जमीन पर आमने सामने की जंग है। यूक्रेन की सेना कीव की दहलीज लांघने नहीं दे रही है, रूसी सेना से डटकर मुकाबला कर रही है। कई मोर्चों पर तो यूक्रेन ने रूसी फौज को पीछे धकेल दिया, रूसी टैंक तोप को तबाह कर दिया, लेकिन रूसी घेराबंदी खत्म नहीं हुई है। कीव के बॉर्डर पर 25 किलोमीटर दायरे में रूसी सेना जमी हुई है। है इंटेंसिटी है युद्ध की, वो थोड़ी कम जरूर हो गई है, लेकिन ये कहीं भी अपनी समाप्ति की तरफ नहीं है। कीव शहर के आसपास थोड़ा जो है घमासान कम हो गया है। कीव शहर पे पिछले 3 दिन में कुछ ज्यादा बमबारी या कोई बड़ा हवाई हमला नहीं हुआ है, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में लगातार घमासान जारी है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव तो पूरी तरह से तबाह हो गया, लेकिन रूसी हमले थमे नहीं हैं। कब कहां से रॉकेट आ गिरे और इमारत आग के गोले में बदल जाए कोई नहीं जानता। गगनचुंबी इमारतें खंडहर हो गई। यूक्रेन का पश्चिमी इलाका भी अब जंग की जद में आ गया। पश्चिमी देशों से आने वाली मदद को रोकने के लिए रूस ने पोलैंड से सटे लवीव शहर पर सीरियल हमले किए। 6 मिसाइलें तो एयरपोर्ट के पास गिरी, हमले में एयरपोर्ट की 3 इमारतें तबाह हो गई। रूस की सेना आगे बढ़ी, अलग अलग शहरों पर लगातार आक्रमण करती रही। गोला बारूद की कमी अब उसे महसूस हो रही है, और केवल अगर 14 दिन का असलहा बचा है तो सीधे तौर पर जो शुरुआत से हम कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो इस बात पर भी इसका नतीजा निर्भर करेगा कि ये जंग कितने दिनों तक यूक्रेन खींच सकता है और रूस कितने दिनों में इसे खत्म कर सकता है। दक्षिण शहर मारियोपोल पर करीब करीब रूस का कब्जा है। अब ये शहर के नाम पर खंडहर है, वीरान शहर, धुआं धुआं इमारतें। ज्यादातर लोग शहर छोड़कर चले गए हैं, जो बच गए वो भी सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे हैं। सड़कों पर कई किलोमीटर तक कारों की लाइन लगी हुई है। यूक्रेन का दावा है कि एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। जान बचाने के लिए लोग शहर छोड़ रहे हैं कि रूस की सेना अब कीव के दरवाजे पर खड़ी है और कीव के अंदर उसने वार करना शुरू कर दिया है। खार्किव खंडर में तब्दील हो चुका है, मारियोपोल में रूस के टैंक अंदर आ चुके हैं। लगभग डॉनबास का जो पूरा पूर्व का क्षेत्र है वो रूस के कब्जे में है, अधिकतर क्षेत्र, पूरा नहीं, अधिकतर क्षेत्र रूस के कब्जे में है। और रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने समुद्र का रास्ता पूरी तरह से यूक्रेन का काट दिया है। रूस ने आजोव सागर से भी मोर्चा खोल दिया। रूसी सेना ने न सिर्फ पोर्ट का रास्ता बंद कर दिया बल्कि इस ओर से आगे भी बढ़ रही है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने आजोव के पास रेलवे पुल को भी उड़ा दिया। ऐसा लगता है कि 25 दिन बाद भी रूस को जंग खत्म करने की जल्दी नहीं है। रूस चुन चुन कर यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है। कल ही रूस ने मिकोलेव मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया है। हमले में पूरा बेस ही बर्बाद हो गया। यहाँ मलबे से 50 यूक्रेनी सैनिकों के शव निकाले गए। हमले के वक्त बेस में 200 सैनिक थे, कितने बच पाए इसका हिसाब अभी नहीं लग पाया है। कीव से राजेश पवार, लवीव से श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ आज तक।